दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रेड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है शाहरुख खान की आने वाली दो और फिल्म सैल्यूट के बाद। शाहरुख खान साल में एक ही फिल्म करने की अपनी आदत बदलने जा रहे हैं। जीरो के बाद वो सैल्यूट तो करेंगे ही, इसके अलावा उनके खाते में दो और फिल्में आ चुकी हैं। इनमें से एक है यशराज बैनर तले और दूसरी श्री राम राघवन की फिल्म है। सूत्रों के मुताबिक यशराज बैनर तले बनने वाली उनकी अपकमिंग फिल्म को हबीब फैजल डायरेक्ट करेंगे। शाहरुख खान ने रोमांटिक कॉमेडी स्क्रिप्ट भी डेवलप की है, इस बारे में वो बहुत जल्द ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। बहरहाल उम्मीद है कि वो इस फिल्म से पहले यशराज बैनर की फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। वहीं श्री राम राघवन शाहरुख खान के साथ एक थ्रिलर फिल्म कर सकते हैं। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म सैल्यूट में उनके अपोजिट फीमेल रोल के लिए किसी एक्ट्रेस की तलाश की जा रही है। फिल्म के लिए पहले करीना कपूर और कैटरीना कैफ को अप्रोच किया गया था, लेकिन रोल छोटा होने के कारण बात नहीं बन पाई। अब सुनने में आया कि रानी मुखर्जी को इसके लिए अप्रोच किया गया है, हालांकि उनकी तरफ से अभी भी कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं आई है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कि शाहरुख खान को कौन सी पहली फिल्म करनी चाहिए, यशराज बैनर वाली या फिर श्री राम राघवन वाली? कमेंट करके बताएं और देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू।